बच्चों, गैल्वेनिक सेल, इसमें होता क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं, कई बार मैं डिस्कस चुका हूं। इसमें बच्चों डिस्चार्जिंग होती, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ऐसे मान लिए। बैटरी डिस्चार्जिंग में क्या होता है, उसमें भरी हुई केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कन्वर्ट होती है। बच्चों यहां भी होगी कि रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, सब कुछ वही होगा जो वहां होता था गैल्वेनिक सेल में, राइट। आइए पहले गैल्वेनिक सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारी बातें जानेंगे, पहले गैल्वेनिक सेल बना लेते फिर वो सब बातें जानेंगे, उससे जुड़ी बात। देखिए सर, इसमें क्या होता है बच्चों, पहली बात यह है कि सेल जो होगा, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो। दो, बस यहां भी दो होते हैं, तो हर एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल इज मेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, तो सेल इज मेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, सेल इज मेड ऑफ टू इलेक्ट्रोड तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हम सेल, अब सेल को तभी जान पाएंगे हमें इलेक्ट्रोड पता होंगे। पहला अगला टॉपिक है पार्ट बी, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखिए बच्चों इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोड सिंपल इलेक्ट्रोड आपको बताते हैं, इसके टाइप बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल इलेक्ट्रोड होता है, आपने एक मेटल की रॉड ले ली, सपोज मेटल के आपने ये जिंक रॉड ले ली, आप कोई मेटल ले सकते हैं, और जो जिस मेटल की रॉड ली उसी मेटल का सॉल्यूशन ले लिया, मेटल आयन, जैसे जिंक प्लस टू आयन, जिंक प्लस टू आयन सॉल्यूशन ले लिया। तो जो मेटल यहां लेंगे बच्चों, जो मेटल यहां लेंगे उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन लेना आपको, मेटल आयन सॉल्यूशन लेना, जो मेटल है उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन लेना, राइट। जो मेटल यहां उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन है, ये बन गया बच्चों, ये हो गया, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। आप कोई मेटल ले सकते हैं, जिंक मेटल लोगे तो जिंक आयन, कॉपर मेटल लोगे तो कॉपर आयन, सिल्वर मेटल लोगे सिल्वर आयन, जो लोगे गोल्ड की मेटल लोगे तो गोल्ड आयन, जो मेटल वही आयन ले लो, यही हो गया सबसे सिंपल इलेक्ट्रोड, ठीक है। यस अच्छा बच्चों, अब इलेक्ट्रोड जो है ना, इलेक्ट्रोड पे क्या हो सकता है बच्चों, हर एक इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड क्या पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो जरा, तो पार्ट सी लिखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कोई मतलब ये जनरल है, कोई एनी मेटल और उसी मेटल आयन का सोल्यूशन, ये सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऐसे ही होते हैं, बाकी वैरायटी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल आयन सॉल्यूशन भी सर, क्या बेटा, वहां पे मेटल आयन सॉल्यूशन है। हाँ मेटल आयन सॉल्यूशन है, क्या साफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल मेटल आयन सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, सर वो क्लियर है मेरे तरफ नेटवर्क। ठीक है, मेटल को आपने मेटल आयन सॉल्यूशन में डाल दिया, क्लियर हो गया मेटल इलेक्ट्रोड। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि तो बच्चों सेल इलेक्ट्रोड, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जैसे ही मेटल रॉड को, ये मेटल की रॉड है, हमने मेटल आयन के सॉल्यूशन में डाला ऐसे, बच्चों क्या होता है, मेटल की सरफेस पे कुछ एटम होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मेटल रॉड को मेटल आयन के सोल्यूशन में डाला तो मेटल की सरफेस पे कुछ एटम होंगे, जो मेटल के एटम होंगे ये ऐसे होंगे, देखिए मेटल से मेटल सपोज प्लस आयन बन गया,
जो भी मेटल आयन होगा प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये मेटल की सरफेस पे होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मेटल प्लस आयन थे, सपोज आपने यहाँ पे मेटल का कोई सॉल्ट भरा था, मेटल प्लस और सपोज सीएल माइनस, ऐसा मेटल का सॉल्ट भरा था, मेटल आयन चाहिए थे। आयन अकेला तो होता नहीं है, ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपको जरूर बोला है कि इलेक्ट्रोड में क्या करना है, ऊपर मेटल लेना है और नीचे मेटल आयन लेना है, लेकिन मेटल आयन अकेला नहीं हो सकता, तो सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं। जिंक आयन चाहिए तो जिंक का कोई सॉल्ट होगा जो उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, सपोज जिंक सल्फेट ले लो, जिंक क्लोराइड ले लो, कुछ ऐसा लो जो जिंक आयन देता है आपको, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिंक क्लोराइड अगर होगा या जिंक सल्फेट होगा, जिंक जितने जिंक आयन होंगे उतने सल्फेट आयन होंगे, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। जिंक रॉड को जिंक आयन में कैसे डालेंगे, जिंक आयन अकेला आयन का सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, उसका कोई सॉल्ट लेंगे, जिंक का कोई सॉल्ट लोगे और उसको नीचे डालोगे तो जिंक आयन का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसी में डाल दिया आपने। बट उसमें खाली जिंक आयन नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, नेगेटिव आयन भी होंगे। खैर चलिए, ऐसे ही हमेशा होगा, जो भी मेटल के रॉड लोगे, मेटल आयन का सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा, राइट। मेटल रॉड, मेटल आयन और मेटल आयन का सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बच्चों क्या होगा, जैसे ही मेटल रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डालोगे, वैसे ही ध्यान रखिए ये पूरी मेटल की रॉड है, ये पूरी मेटल रॉड है ना, मेटल रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में आपने डाला बच्चों, वैसे ही सरफेस के कुछ एटम ऑक्सीडाइज होंगे, ये रिएक्शन सरफेस पे होगी। और बच्चों ये एटम जो ऑक्सीडाइज होंगे ये निकल कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले गए, सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ गए, तो बताओ सॉल्यूशन में नेट चार्ज क्या हो गया, कौन सा चार्ज डोमिनेट हो गया सॉल्यूशन में, पॉजिटिव सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन बने उसी मेटल पे रह गए, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन या उसी मेटल पे रह जाएंगे, तो फिर मेटल पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। आप मुझे बताइए पहले क्या था, सॉल्यूशन न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही आपने रॉड डाली, रॉड की सरफेस से कुछ एटम ऑक्सीडाइज हुए अपने सरफेस पोटेंशियल कारण, कुछ एटम ऑक्सीडाइज हुए, और जो एटम ऑक्सीडाइज हुए उनका इलेक्ट्रॉन तो उसी मेटल पे रह गया, लेकिन आयन जो आयन बना वो सॉल्यूशन में चला गया, तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और मेटल पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब सॉल्यूशन और मेटल में एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जहां चार्ज डिफरेंस होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, जहां चार्ज डिफरेंस होता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई चीज नहीं है, मेटल रॉड और मेटल आयन के सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक लाइन लिख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। सर तो क्या मेटल रॉड पूरी तरह मतलब नेगेटिव हो जाएगा, उस पे अगर एक सरफेस से मौजूद एक एटम भी अपने सरफेस पोटेंशियल कारण ऑक्सीडाइज हुआ, सरफेस का एक भी एटम ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसको कोई नेगेटिव चार्ज तो आएगा ना। अब वो एक इलेक्ट्रॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन आए, कि डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस से कितने एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जितने ज्यादा सरफेस के एटम ऑक्सीडाइज होंगे उतना ज्यादा चार्ज इस पे आएगा, और जितना ज्यादा चार्ज इस पे आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना सारी मेटल का सेम, सारे इलेक्ट्रोड का सेम नहीं होता, हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता, क्यों, उसकी सरफेस से कितने एटम ऑक्सीडाइज होंगे, ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज होंगे ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो सब में होगा जरूर, एक्चुअल चार्ज आएगा लेकिन वो सारी मेटल में बराबर नहीं होगा, हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, राइट। डेफिनेशन लिखी सब में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड मेटल आयन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो अब होता क्या बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम भी कर सकता है, कैथोड का काम भी कर सकता है, ये एनोड भी हो सकता है, ये कैथोड भी हो सकता है। उसी प्रकार एनोड, अच्छा अगर एनोड हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, एनोड पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। अगर ये, हाँ अगर ये एनोड का काम करेगा इलेक्ट्रोड तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, और बच्चों ऑक्सीडेशन होगा उस समय इसके पोटेंशियल क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ये एनोड होगा तो उस समय इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब इसमें रिडक्शन होगा उस समय कैथोड होगा, कैथोड होगा तो रिडक्शन होगा उस समय इसके पोटेंशियल का नाम देंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम होता है, डिपेंडिंग ऑन कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। सो नोट नंबर वन, ठीक है, नोट नंबर वन, सॉरी बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ गए, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, इस इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है कैथोड भी हो सकता है। तो देखिए नोट नंबर वन, इलेक्ट्रोड कैन वर्क एज एनोड एज वेल एज कैथोड, लिखिए इलेक्ट्रोड कैन वर्क एज एनोड, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन होगा इस पे, एज वेल एज कैथोड, उसमें रिडक्शन होगा। ओके, तो पहले देखते हैं एज एनोड, बच्चों अगर वो कोई इलेक्ट्रोड एज एनोड हो गया तो उसपे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। हाँ बच्चों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो उस पर रिएक्शन क्या होगी, अगर एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे, देखो रिएक्शन, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी, कैसे, ऐसे मेटल से मेटल कुछ बनेगा प्लस, और जितना प्लस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडाइज होते दिखाना है आपको। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बच्चों उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ई, यानी ई लिखेंगे, ई बच्चों ई लिखेंगे, और ई के बेस में, यहां बेस में क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि ऑक्सीजन तो दिखे, ई के बेस में ऐसा लिखेंगे, बेस में क्या, एम से एम प्लस बन रहा है, दिखना चाहिए कि हाँ ये देखिए ई, मतलब ई तो मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, एम से एम प्लस जाने के लिए। अब एम से एम प्लस जाओगे बच्चों तो एम जो है जीरो स्टेट में है, मेटल सॉलिड है, उससे मेटल आयन बन रहा है, बच्चों लिखने का तरीका बता देगा, अच्छा जीरो से प्लस वन जा रहा है तो ऑक्सीडाइज होते हुए लिखेगा, ऑक्सीडाइज होते हुए लिखेगा मतलब ये जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर अगर वही इलेक्ट्रोड एनोड है तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी, ठीक है, उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ई, और ई के बेस में ऐसे लिखेंगे मेटल को ऐसा लगे ये जीरो से प्लस वन जा रहा है ऑक्सीडाइज होते हुए, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। वही अगर रिड्यूस होगा सब कुछ रिवर्स कर देंगे, रिएक्शन रिवर्स, रिप्रेजेंटेशन रिवर्स। तो नोट करें एज कैथोड, देखते हैं उसके क्या होगा, एज कैथोड, देखो बच्चों जब एज कैथोड होगा ना तो इस पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन रिड्यूस होता, ऐसे लिखना है मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मेटल सॉलिड में लग रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलेंगे, अभी अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे, गेस करिए क्या बोलेंगे, इसमें रिदम मिलाइए ना, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ऐसे ई, और ई के बेस में ऐसे लिखेंगे जैसे पता लग जाए रिड्यूस हो रहा है, ऐसे मेटल प्लस से मेटल सॉलिड ऐसा बनेगा, प्लस से जीरो जा रहा नहीं रिड्यूस हो रहा है, प्लस वन स्टेट से जीरो स्टेट जा रहा नहीं रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन में रिवर्स हो जाएगा, हाँ ये रिवर्स है, रिएक्शन रिवर्स, रिप्रेजेंटेशन रिवर्स, रिएक्शन देख के पता हो जाएगा कि रिड्यूस हो रहा है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का को देख के पता लग जाएगा प्लस वन से जीरो जा रहा नहीं रिडक्शन पोटेंशियल है, यस सर, ठीक है। तो सेल क्या होता है हमने जाना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं,
इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है, उसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड कैथोड होगा तो उसके पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और बच्चों एक और खास बात, एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन मिल रही ना। अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को रिवर्स करने से रिडक्शन की रिएक्शन मिल रही है बच्चों, या रिडक्शन को रिवर्स करने से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मिल रही है, तो दोनों के जो पोटेंशियल होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, खाली साइन का डिफरेंस होगा। एक पोटेंशियल पता उसका साइन बदलो दूसरा पोटेंशियल आ जाएगा सेम मेटल के लिए। तो नोट नंबर थ्री, नोट नंबर टू होगा एक्चुअली। तो नोट नंबर टू देखिए, लिखे इफ बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन वी कैन ऑब्टेन रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। देखो If by reversing the reaction of oxidation, इसको रिवर्स कर दो, हमको रिडक्शन रिएक्शन मिल जाए, या वाइस वर्सा, इसकी रिएक्शन रिवर्स कर दो, ये मिल जाए बच्चों, तो उस केस में क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो ओपी होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, दैट विल बी सेम एज रिडक्शन पोटेंशियल, ईआरपी। खाली साइन का डिफरेंस होगा बच्चों, एक माइनस साइन लगा देना, खाली साइन का डिफरेंस होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। के बाद रिएक्शन लिखे है ना? हाँ, रिडक्शन, रिडक्शन, आरएक्शन, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन मान लीजिए। इफ बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन वी कैन ऑब्टेन रिएक्शन ऑफ रिडक्शन, देन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते, खाली साइन का डिफरेंस होता है। लेकिन तभी आता है जब इस रिएक्शन को पलट दो ये मिल जाए, या इसको पलट दो वो मिल जाए, तो खाली साइन का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ई नॉट ई दिया है, कॉपर से कॉपर प्लस टू। बच्चों अगर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 वोल्ट है, तो उसको अगर रिवर्स कर दें, ऐसे पूछे ई कॉपर प्लस टू से कॉपर, तो कहोगे देखो ये जीरो से प्लस वन जा रहा है, ये प्लस टू जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू अगर माइनस 0.34 होगी कितना होगा? प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना भी बताएंगे भी हम आपको, वी जस्ट बताए इलेक्ट्रो पोटेंशियल होते क्या है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है ना। और अगर रिएक्शन सेम रहती है, एक को रिवर्स करके दूसरा मिल जाए, तो ओपी और आरपी के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, खाली उनके साइन का डिफरेंस होता है। हाँ बच्चों, अभी देखो नोट नंबर थ्री, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इन इलेक्ट्रो। बच्चों वही स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जो थर्मो में होती थी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ऑल पार्शियल प्रेशर, जितने भी पार्शियल प्रेशर आपको लेने हो वो 1 एटीएम लीजिए, ऑल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लीजिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है थर इलेक्ट्रो में, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सारे पार्शियल प्रेशर 1 एटीएम, सारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेंटेन करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो नोट नंबर टू देखो बच्चों, ये ई होता है, ये पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रोड के लिए है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर ऐसे लगा दें ई
और इसके ऊपर एक नॉट लगा दिया ऐसे जीरो, ये नॉट ई नॉट, बस ऊपर नॉट आ गया तो ये स्टैंडर्ड हो गया, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ई और ई नॉट दो चीजें होती हैं। जब जितने हमने ई देखे थे, ये ई लिखा है मतलब नॉर्मल है, लेकिन इस पे नॉट लगा दें ऊपर तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। और स्टैंडर्ड मतलब इस कंडीशन में मेजर किया, टेम्परेचर और प्रेशर कंसंट्रेशन ये मेंटेन किए गए। तो ई और ई नॉट में डिफरेंस नहीं है, जनरल है, कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर कोई भी कंसंट्रेशन हो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, सब कुछ स्टैंडर्ड होगा। तो ऐसा होगा कोई भी एक कंडीशन डिफर कर जाएगी तो उसको फिर हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है अब तक जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो अब हम सेल पे इलेक्ट्रोड हम समझ गए हैं बच्चों, अब हम सेल पे चल। अच्छा अच्छा एक और चीज, एक चीज भूल गए, क्या जो आपने नोट वो लिखा था ना एज एनोड, देखिए एज एनोड क्या, एज कैथोड, ठीक है उसको अब आपने नोट नंबर थ्री लिखो। बहुत चमक, ऐसे कैसे चमक रहा? ये सरब नहीं हो रहा। अच्छा चमक रहा, वो थोड़ा सा हवा चलती है तो कर्टन ऊपर हो जाता है तो फिर रोशनी आने लगती बाहर से। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड देखो बच्चों, ऐसे एज एनोड, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे देखो, मेटल सॉलिड मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, इसको ऐसे लिखें इसे ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे एक्स मोलर, ध्यान दीजिए मेटल सॉलिड से मेटल बन रहा है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, साफ दिख रहा है मेटल सॉलिड से मेटल बन रहा है, बीच में स्लैश मतलब स्लैश को हम लोग फेज बाउंड्री बोलते हैं कि सॉलिड फेज को एक्वस फेज से अलग किया, इसको फेज बाउंड्री बोलते हैं। इसी प्रकार ये कैथोड अगर हो जाता एज कैथोड, तो बच्चों उल्टा कर देते ऐसे लिखते मेटल प्लस ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वाई मोलर एक्स वाई जेड जो भी कॉन्सेंट्रेशन और स्लैश कॉपर है सॉरी मेटल सॉलिड। तो ये देखिए वो जब जब कोई इलेक्ट्रोड एनोड है तो बच्चों उसको ऐसे लिखो कि पता लग जाए ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड ऐसे लिखो पता लगे रिड्यूस हो रहा है, और ध्यान रखना बीच में स्लैश यूज करते हैं, स्लैश का मतलब होता है फेज बाउंड्री, स्लैश रिप्रेजेंट फेज बाउंड्री, ये सॉरी दो फेज को अलग अलग कर रहा है। और याद करिए अगर ये इसका ईएमएफ लिखना है तो ई ऐसे ई लिख दो और बेस में ये लिख दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ई लिख दो ई लिखो और बेस में ये लिख दो तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो क्या करते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों ऑक्सीडाइज होते हुए रिड्यूस होते लिखो, और ब्रैकेट में अगर कोई आयन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जरूर लिखो जो भी है एक्स मोलर वाई मोलर जेड मोलर मोलरिटी जो भी लिख दो साथ में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब मुझे बताइए इलेक्ट्रोड की सारी बात क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ के सेल की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रोड मैंने बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड कैसे कैसे काम कर सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर ये सब क्लियर है तो हम देखेंगे दो इलेक्ट्रोड को जोड़ के सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोड हम समझ गए, दो इलेक्ट्रोड को जोड़ के सेल बनाएंगे। सब क्लियर है? बिल्कुल बहुत क्लियर है। आप चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी सेल की तरफ। सेल क्या होता है देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, सिंपली लिखो सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इलेक्ट्रोड्स, लिख लो यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इलेक्ट्रोड्स।
ये आप जानते भी, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इलेक्ट्रोड्स, ये हमारा पॉइंट की डेफिनेशन डिफाइन कर लिया हमने इसको। नाउ अब एक इलेक्ट्रोड बना लेते, देखो ऐसे एक हमने बच्चों जिंक रॉड ली और जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, Zn प्लस टू आयन है जो कि x मोलर है, इसमें डिप हो गया। दूसरा दूसरे हमने ले लिया कॉपर कैरोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर प्लस टू आयन मान लो ये y मोलर। और बच्चों इन दोनों को हम अब इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, लेकिन जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे ऐसे इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए बच्चों, ऐसे जैसे ही कनेक्ट करोगे बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ग्लो करेगा। बट बल्ब को ग्लो करने के लिए पूरी फिजिक्स पढ़ ली, सर्किट पूरा होना चाहिए। क्या यहाँ सर्किट पूरा है? क्लोज सर्किट है यहाँ पे नहीं। इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं है। तो सर्किट पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया, वायर का एक एंड इधर डाल दिया और एक एंड इधर डाल दिया, अब तो सर्किट पूरा हो गया ना, कंडक्टिंग वायर। तो अभी अभी ये ग्लो करेगा? अभी भी नहीं करेगा। क्यों? बस सर्किट तो पूरा हो गया लेकिन वायर में इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, वायर में सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी, सोल्यूशन में क्या है, आयंस। वायर डालने से ये आयन वायर के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे, पूरा सर्किट पूरा कर दें, आयन तो नहीं चल सकते वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। इसका मतलब वायर लगाने से सर्किट पूरा नहीं होगा, वायर लगाने से सर्किट वहां पूरा होगा जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं तो उसको हटाओ। फिर एक टनल टाइप बनानी पड़ेगी जिस टनल से होके क्या जाएंगे, आयंस जाएंगे। एक टनल रख देंगे ऐसे, कांच की बनी हुई ग्लास ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई ट्यूब है ऐसे, ग्लास ट्यूब ये देख, ये ग्लास ट्यूब है ठीक है, ग्लास ट्यूब है और क्या कर रहे हैं इधर देखें, इस ग्लास ट्यूब में हम कोई सॉल्ट भर देते हैं, इनर्ट सॉल्ट ऐसे। सर ये ट्यूब को कुछ ब्रिज भी बोलते हैं ना? हाँ इसको बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज ही तो है। देखो बच्चों ये ट्यूब है, ट्यूब से दोनों को कनेक्ट कर दिया लेकिन ट्यूब के अंदर आयन थोड़ी चले जाएंगे, क्योंकि पाइप है, पाइप के अंदर आयन चल गए, आयन को चलने के लिए मीडियम ना चाहिए। ऐसे NaCl सॉल्ट ऐसे डाल दो आयन, सोडियम आयन NaCl मूव थोड़ी करेंगे, हाँ पानी में डालोगे तो मूव करेंगे। तो एक हमें एक मीडियम चाहिए, तो बच्चों इस सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, कोई इनर्ट सॉल्ट भर देते हैं, इनर्ट सॉल्ट, इनर्ट सॉल्ट ऐसा जो इधर भी रिएक्ट ना करे इधर भी रिएक्ट ना करे, और सॉल्ट ऐसे सॉलिड नहीं भरते हैं, पेस्ट भरते हैं, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसा पेस्ट लेते हैं और उसमें सॉल्ट भरते हैं। टूथपेस्ट लेने से क्या फायदा होगा, जेल फॉर्म में वो थोड़ा मोबाइल, उसके अंदर आयंस चल सकते हैं, सॉलिड लेंगे तो आयंस बिल्कुल रुक जाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रिज लेते हैं, कांच की बनी हुई ट्यूब होती है, इसको अपन नाम देते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में डिटेल और डिस्कस करेंगे लेकिन सॉल्ट ब्रिज यहाँ लिया जाता है। इसका काम होता है दोनों सर्किट को पूरा करना, इसके अंदर से आयन निकल के इधर जाए, इसके इधर से इधर आए, ताकि सॉल्यूशन जो है वो सर्किट कंप्लीट हो। जैसे ही लगाओगे ये देखिए ये बल्ब जलना शुरू हो गया, देखा जलते हुए दिख रहा ना, रोशनी निकल रही। तो अब ये कैसे जल रहा है, तो देखो बच्चों तीसरा हो गया इस पे ये, अच्छा एक और चीज इसमें बच्चों, जैसे दोनों कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा, ये जिंक एनोड बन जाता है, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा ऑक्सीडेशन, जिंक जो है ना जिंक सॉलिड जिंक आयनों में कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए जिंक सॉलिड कहाँ है, इस रॉड पे जो जिंक आयन बनेंगे वो इससे आयन बनकर सॉल्यूशन चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो बने हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हुए सर्किट के वायर से जाएंगे, और वायर में इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ही ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना करंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें ग्लो करेगा। तो एनोड पे एनोड खुद ऑक्सीडाइज होगा और आयन बनेंगे, जो आयन बने वो सॉल्यूशन में चले गए लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बने वो वायर के थ्रू ऐसे जाएंगे, और ये होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड पे, कैथोड जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बच्चों इन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने सॉल्यूशन से, एक आयन आएगा इनको रिसीव करेगा वहां और रिड्यूस होगा, देखिए कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैसे
सर लेकिन सिर्फ मतलब सर लेकिन जिंक ही एनोड क्यों होगा, कॉपर भी तो एनोड हो सकता है उधर अगर बिल्कुल हो हो गया तो। सकता, बिल्कुल हो सकता है, हम आपसे सहमत हैं। सर लेकिन मतलब डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा एनोड रहेगा कौन सा कैथोड? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो एनोड होगा, बताएंगे भी, इस पे डिस्कशन करेंगे, वेट करो। वैसे डिस्कशन किया हुआ यार, याद करो हमने ऑक्सीडेशन के रूल लगाए थे, अगर कंपटीशन हो रहा दो में कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो कंपटीशन में विनर कौन होता था? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और रूल्स फॉर कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस लिखा दी, उस समय आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पता था, आप जानते हैं। अगर बारी आए कि ये ऑक्सीडाइज होगा कि ऑक्सीडाइज, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर दो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो उसको रिड्यूस होना पड़ेगा मजबूरी, ऐसे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? यस। अच्छा ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, इस पर इसका पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, इसका जो ई नॉट है यहाँ लिखेंगे ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको ऐसे लिखेंगे जेड एन ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू। फिलहाल जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिख दी। कॉपर चूंकि रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड ले रहे हैं क्या, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या होगा ये ई नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर इक्वल टू, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज से देख के बता रहा हूं मैं। तो बच्चों अच्छा एक चीज है, एनोड पे पहले भी ऑक्सीडेशन होता था, यहां भी ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे पहले भी रिडक्शन होता था, यहां भी कैथोड पे रिडक्शन होगा, लेकिन बच्चों का साइन बदल जाएगा। याद करिए जब चार्जिंग हो रही थी तो एनोड को पॉजिटिव माना था कि नेगेटिव माना था, व्हाइल चार्जिंग क्या माना था एनोड को? पॉजिटिव। तो अब तो डिस्चार्जिंग हो रही है तो उसको साइन कन्वेंशन चेंज करने होंगे, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही लेकिन उसका साइन बदल जाएगा, उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो ये एनोड जो कि चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव था यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड जो चार्जिंग के दौरान नेगेटिव था यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माना जाएगा। ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, गलती यहाँ हो जाती है। एनोड में जो चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था यहाँ वो नेगेटिव हो जाएगा। एनोड का हाफ रिएक्शन, कैथोड का हाफ रिएक्शन, और दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल रिएक्शन, फुल रिएक्शन मिल जाएगा, टोटल रिएक्शन। और टोटल रिएक्शन ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है कैंसिल कर दो, और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो याद करिए 11th में बैलेंसिंग सिखाई थी ना, इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर करते थे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे बराबर करते थे, याद है? कुछ मल्टीप्लाई करके करते थे ना। यस सर। अब ऐसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, सीधे सीधे कैंसिल हो गए तो कर दो, नहीं तो एक फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कुछ करो, किसी से यहाँ करो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बराबर करके कैंसिल कर दो, और तब ओवरऑल रिएक्शन आएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी जिंक सॉलिड से Zn प्लस टू बन गया, कॉपर प्लस टू से कॉपर सॉलिड बन गया, कॉपर प्लस टू से कॉपर सॉलिड बन गया, ठीक है? और देखो बच्चों यहाँ पे E नॉट सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल लेना है, सेल पोटेंशियल हो जाएगा एनोड का ओपी, जो एनोड है उसका ओपी लेना है, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कैथोड है उसका आरपी लेना है, एनोड का ओपी और कैथोड का आरपी लेना है, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। देखो एनोड का ओपी है, एनोड का ये ओपी तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का आरपी है, जोड़ दो यहाँ पे सेल पोटेंशियल आ जाएगा, देखो कितना आ। वोल्ट आ रहा फिलहाल डाटा रखो। यस सर। तो बच्चों कोई भी जब आप दो मेटल के इलेक्ट्रोड लोगे, मेटल वन और मेटल टू, तो उन दोनों में कोई एक एनोड बन जाएगा दूसरा कैथोड बन जाएगा, एनोड कौन बनेगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, कैथोड कौन होगा जिसका रिडक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा ऑब्वियसली उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों? ओपी को रिड्यूस साइन चेंज करो तो आरपी मिलते हैं, ओपी कंपेयर किए एक ओपी ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज हो गया एनोड बना दो, लेकिन इसका ओपी कम है बच्चों वो ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा लेकिन वो रिड्यूस होगा क्योंकि इसका ओपी कम है, आरपी नहीं, आरपी ज्यादा होगा उसका, ठीक है? और ये सेल का ई नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड है, सेल का ई नॉट ऐसे आ जाएगा, एनोड का ओपी कैथोड का आरपी जोड़ दो, एनोड का ये और ये ओपी है ये इतना जोड़ दो 1.1 आ रहा है,
फिलहाल यहाँ Zn से Zn प्लस टू है और यहाँ पे E0 कॉपर से कॉपर प्रॉपर प्लस टू से कॉपर है, ये आ रहा है 1.1 वोल्ट छोड़ के। मुझे एक मिनट देना बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेल के बारे में हमने आपको बता रहे थे कि सेल में जब दो इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो सेल बनता है। जैसे ही दो इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं कोई एक एनोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करके डिसाइड हो जाएगा। जिसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पर रिडक्शन होगा। जिंक और कॉपर में जिंक एनोड बन गया, हो सकता है जिंक के साथ आप मैग्नीशियम ले लो, तो जो जिंक और मैग्नीशियम में देखा जाए तो मैग्नीशियम को ओपी ज्यादा होता है, मैग्नीशियम एनोड बनेगा, जिंक को कैथोड बनना पड़ेगा। यहाँ जिंक एनोड है, कॉपर के सामने जिंक एनोड है, क्यों? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन जिंक का कॉम्बिनेशन अगर मैग्नीशियम के साथ ले लो तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो एनोड बनेगा, जिंक को कैथोड बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जिंक हमेशा एनोड नहीं है, किसके संग जुड़ा उस पर डिपेंड करेगा, उससे कंपेयर करना है। ठीक है, एनोड है तो ऑक्सीडाइज होते हुए लिखो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, कैथोड है उसको रिड्यूस होते हुए लिखो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, और एनोड के ओपी और कैथोड के आरपी को जोड़ दो, एनोड का पूरे सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। आइए अब देखते हैं कि सॉल्ट बेस का काम क्या है, बताएंगे वो थोड़ी देर में आपको। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट मैं ऊपर थोड़ा जगह खाली कर देता हूँ, है ना। ऐसे बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अच्छा, ये जिंक एनोड कॉपर कैथोड, इसको अपन डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल एक खास कॉम्बिनेशन है, किसका? जिंक एनोड कॉपर कैथोड के, इस कॉम्बिनेशन को डैनियल सेल बोलते हैं। आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, बच्चों सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आईयूपीएसी मेथड है क्या? आईयूपीएसी बोलता है कि पहले आप एनोड को लिखो, पहले आपको एनोड लिखना है, फिर स्लैश, फिर आपको सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट है वो लिखना है, सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और फिर स्लैश में कैथोड लिखना है आपको, एनोड स्लैश सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज स्लैश कैथोड। ब्लर हो गया और वेट करो एक मिनट, सही हो जाएगा। सबको ब्लर हुआ क्या? नो सर ठीक है सर। तो बेटा फिर देखो थोड़ा सा अपने साइड, है ना। अच्छा, ये सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बाद एक और तरीका बच्चों, क्या कई बार सॉल्ट को गायब करते हो, जैसे लिखते हैं एनोड डबल स्लैश और कैथोड। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी कन्वेंशन है बच्चों, आईयूपीएसी कन्वेंशन है कि पहले तो एनोड को ही लिखा जाएगा। आईयूपीएसी का ये आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्स्ट एनोड को फर्स्ट में ही लिखना है, पहले एनोड को ही लिखना है। ठीक है, एनोड को फर्स्ट में लिखना है, कैथोड को बाद में लिखना है। तो इस डैनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, तो देखो ऐसे लिखेंगे, जिंक में कॉन्सेंट्रेशन एक्स थी, कॉपर में वाई थी। मैं बता देता हूँ इसको रिप्रेजेंट अगर करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, डैनियल सेल जो फोटो बनाया था वो, ऐसे जिंक चूंकि एनोड है, जिंक को ऑक्सीडाइज, जिंक स्लैश जिंक आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में एक्स मोलर, या जो भी मोलरिटी है बच्चों लिख देना, x मतलब 0.2 लिख दे, 0.2 मोलर, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, डबल स्लैश बना देंगे ऐसे बच्चे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड को कोशिश करिए ऐसे लिखेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा हो, देखिए 0 से प्लस 2 जरा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड को ऐसे लिखिए लगे कि रिडक्शन हो रहा है, Cu प्लस 2, कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.2 मोलर या 0.4 मोलर कुछ मन कर दिया, कॉपर और स्लैश कॉपर सॉलिड। देखिए बच्चों, पहले एनोड लिखना है, फिर डबल स्लैश कैथोड, या बीच में सॉल्ट ब्रिज लिख सकते हैं, पहले सॉल्ट ब्रिज लिखते थे, अभी सॉल्ट ब्रिज को इग्नोर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। क्या करेंगे, डैनियल सेल में जिंक एनोड कॉपर कैथोड था, पहले जिंक लिखना है फिर कॉपर लिखना है, और बच्चों कोशिश करो इसको ऐसे लिखो कि ये लगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन कई बार जो पहले लिखा है अगर वो सब लगे नहीं सही तो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा लगे नहीं प्लस टू से जीरो जा रहा है, रिड्यूस होते लिख दिया पहले बच्चों, तो कोई बात नहीं, जो पहले लिखा हो उसको आप एनोड ही माना, ऑक्सीडेशन ही कराना, भले ही थोड़ा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाए, लिखने का सही तरीका यही है, लेकिन अगर उसको उल्टा भी लिख दे तो टेंशन नहीं है,
जो आईयूपीएसी बोलता है जिसको पहले लिखा वही एनोड है, भले कोशिश करो ऑक्सीडाइज होते हुए लिखो, नहीं लिख पाओ तो भी जो पहले वही एनोड होगा। जैसे ऐसा ई क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या कहता है जिंक एनोड कॉपर कैथोड, सीधे जिंक का रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला, उसका ओपी कॉपर कैथोड है, कॉपर रिएक्शन रिडक्शन वाला, उसका आरपी, दोनों को जोड़ के एनोड सेल निकल आएगा और जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, राइट। तो हमने दो चीजें सीखी, क्या सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों एक और एग्जांपल, पांचवा पॉइंट सेल पोटेंशियल। देखो बच्चों ई ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा ई ऑफ ओपी, किसका ओपी एनोड का, या फिर ई आर पी, किसका आरपी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, एक तो बात ये हो गई, या ऊपर हम ऐसे लिखो, लेकिन अगर हम ये जनरल है, ये जनरल है, ये भी जनरल आएगा, लेकिन अगर बच्चों ऐसे लिख दें देखिए, अगर हम नॉट लगा दें यानी स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड होगा, ये स्टैंडर्ड होगा, तो ये भी स्टैंडर्ड आएगा, प्लस या तो सब जगह नॉट होगा या फिर कहीं नॉट नहीं होगा, सब जनरल होंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड केस में भी ऐसा कर सकते हैं और जनरल केस में भी ऐसा कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया सबको। एक और डबल एरो क्या है, डबल एरो पे है ही नहीं, जो स्लैश लगा है डबल, ये नो था नीचे वो जो ग्रीन में, ये स्लैश है डबल, यार इधर डबल स्लैश है, बट यहाँ ये डबल स्लैश होता था वाला, ठीक है ना, यही है। सॉल्ट ब्रिज को सॉल्ट को नहीं लिखा, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं उसको, सॉल्ट डबल स्लैश मतलब सॉल्ट ब्रिज, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, देखिए नोट नंबर एक पांचवा छठा पॉइंट और लिख लो, इससे जुड़ा हुआ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो छठे पॉइंट में इसी को और एक नोट लिख लो, इसका एक छठे पांचवा पॉइंट का नोट लिख लो एक, मैं ये नॉट वाले से एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट नंबर वन, देखो बच्चों आपने E नॉट ऑफ सेल निकालना है और मैं आपको बता चुका हूं ये होता है E नॉट OP, किसका OP एनोड का, और यहां E नॉट RP, किसका RP कैथोड का, एनोड का OP और कैथोड का RP, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे दो एक का ओपी एक का आरपी ऐड होता है, लेकिन कोई बोले नहीं हमें दोनों का आरपी लिखना है, तो कहेंगे ठीक इसका आरपी है इसको रहने दो, है ना, ये वैल्यू यहां आई है, इसी वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें आरपी के टर्म्स में तो कहेंगे ठीक है इसको इसको तो यही तो एज इट इज रहेगा, ई नॉट आरपी इसका आरपी कैथोड का, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों हम इसको भी आरपी करना चाहते हैं, ये ओपी है इसको आरपी करेंगे तो ओपी से आरपी लिखने में क्या साइन का सिर्फ चेंज आएगा ना, यस सर, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे आरपी हो जाएगा लेकिन यहाँ माइनस साइन है, माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, तो आप देख लो
एक के एनोड के ओपी कैथोड के आरपी को ऐड करते हैं, लेकिन जब दोनों के आरपी लिखेंगे तो कैथोड का आरपी रहेगा, लेकिन उसमें एनोड के आरपी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। या कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक काम करिए, हम दोनों के ओपी लिखना चाहते हैं, इस ओपी को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वही वैल्यू आएगी जब कुछ भी करो तीनों केस में। इसको ऐसे रखना है, ई नॉट ओपी, किसका ओपी, एनोड का, प्लस ये एनोड का ओपी हो गया, राइट, और ई नॉट देखें। अच्छा बस ये तो ओपी, हम इसको भी ओपी लिखना चाहते हैं, आरपी नहीं, इसको ओपी रखना चाहते हैं, क्या करें, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज, हाँ माइनस ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड। तो बच्चों ध्यान रखो, ये आपको उन्होंने बताया है एक का ओपी एक का आरपी ऐड होगा, लेकिन अगर दोनों के आरपी होंगे तो आरपी सब्ट्रैक्ट होंगे, कैथोड के आरपी में एनोड के आरपी को सब्ट्रैक्ट करो, या दोनों के ओपी होंगे तो भी सब्ट्रैक्ट होंगे, एनोड के ओपी में कैथोड के ओपी को सब्ट्रैक्ट करो। और अगर आप मैंने तरीका समझे होगे, मैंने इसी से इसको लाया इसी से इसको लाया, तो लगे सब एक ही बात को है, तो नई चीज थोड़ी है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात। एनसीईआरटी में ये वाला रेट फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी, वहां वो इसको फॉलो करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं नीचे, ठीक है ना। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ, ये पूरा काम हो गया, सेल के बारे में सारी बात होगी। अब मैं एक आपको रिएक्शन सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और आपको उस एनोड उसके सॉरी उसकी रिएक्शंस लिखनी है, और आपको उसका आरपी ई ऑफ सेल निकालना। लिखिए, राइट सेल रिएक्शन एंड फाइंड, राइट सेल रिएक्शन एंड फाइंड E not of cell for following. Write cell reaction and find E not cell of for following. चलिए 0.4 वोल्ट। हाँ बच्चों, ये एक क्वेश्चन दिया, ये एसएसएल लिख दिया। अब आपको इसको देख के पता करो एनोड क्या है, एनोड किसका बना हुआ है, किसका एनोड है, एल्यूमिनियम, और कैथोड निकल, निकल। तो एनोड की रिएक्शन ऑक्साइड होते लिखो, कैथोड रिएक्शन रिड्यूस होते लिखो, फिर दोनों को जोड़ के ओवरऑल रिएक्शन निकालो, लेकिन जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, जल्दी करो। ओके
देखिए सर 0.1 आया, कितना आ रहा 0.9 की 0.1 0.1 आएगा बिल्कुल 0.1। हाँ देखो ये एनोड है तो आप तुरंत लिखोगे अच्छा एनोड है एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस 3 बनेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसका ओपी लिखा जाएगा। ओपी मतलब ऑक्सीडाइज होते हुए ई नॉट, एल से एल प्लस 3 बनेगा। तो बच्चों वही हमको दिया है, देखिए एल से एल प्लस 3 वही वैल्यू दी है 0.5, इसको सीधे 0.5 रख दो। फिर कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। देखें कैथोड निकल का बना हुआ, निकल प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये है ना, ये निकल सॉलिड बन जाएगा। इसका हमको आरपी चाहिए, आरपी मतलब ई नॉट निकल प्लस टू से निकल चाहिए। अच्छा निकल प्लस टू से निकल, देखो जरा हमें चाहिए निकल प्लस टू से निकल, यहां उल्टा दिया है ना, यहाँ जीरो से प्लस टू दिया है, इसको तो हमें ये ओपी दिया है, एक्चुअली हमें आरपी चाहिए, तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा -0.4। और अब रिएक्शन हमको जोड़नी है, रिएक्शन जोड़ते समय एक कंसेप्ट की इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए बच्चों, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी ऐसे, 2 एल्युमिनियम सॉलिड एल्युमिनियम प्लस 3 एक्वस, ठीक है, 3 निकल प्लस 2 और 3 निकल सॉलिड। ई नॉट ऑफ सेल, बच्चों एनोड का ओपी कैथोड का आरपी जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ के आओगे तो 0.1 आ रहा है। ये रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, इसमें इसका ऑप्शन 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका ये ऑप्शन थोड़ी देर में हमें मतलब थोड़ी देर में तो हो सकता है आज से इसका काम शुरू हो जाए, ऑप्शन इंपॉर्टेंट होंगे, इससे बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी यहां तक लिखना आना चाहिए आपको, राइट। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अच्छा अब हम आगे कोई भी बात करें बच्चों तो उससे पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो E नॉट होता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका स्टैंडर्ड पता है, इसका स्टैंडर्ड पता है, इसका भी स्टैंडर्ड आ जाएगा, इसका जनरल पता है, इसका जनरल पता है, इसका भी जनरल आ जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों अगर हमको ये सब स्टैंडर्ड दिया है तो जनरल कैसे आएगा, अगर सबका स्टैंडर्ड दिया है तो स्टैंडर्ड आ जाएगा, सबका जनरल दिया जनरल है, लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड दिया है और जनरल निकालना है तो क्या करेंगे। तो बच्चों हम बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड है लेकिन जनरल ईएमएफ, जैसे इस समय आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होगी, कुछ इन्वर्टर की बैटरी अभी जनरल कंडीशन में रखी हुई आपके घर में, इस समय उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो जनरल आउटपुट है, इन्वर्टर से इस समय जो भी आउटपुट मिल रहा है आपको वो उसका जनरल आउटपुट है, ठीक है। और जनरल आउटपुट उसमें मौजूद जो सॉल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है, या फिर उसमें डिस्टिल वाटर डालते ना, इन्वर्टर बैटरी में डिस्टिल वाटर पड़ता है ना, तो डिस्टिल वाटर से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होती है, और कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगी तो ईएमएफ उससे मिलने वाला वोल्टेज बदल जाएगा। यानी किसी बैटरी, ये भी तरीके से बैटरी ना है, ये भी तरीके सेल ना है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, किसी भी सेल से मिलने वाला जो वोल्टेज है बच्चों वो जनरल स्टैंडर्ड है जब स्टैंडर्ड कंडीशन में, जनरल अगर जनरल कंडीशन है तो टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन सब के हिसाब से ये ईएमएफ चेंज होगा, नॉर्मल जनरल वाला चेंज होगा। तो वो जनरल वाला हम कैसे निकालते हैं उस पे चलेंगे, उसके लिए एक इक्वेशन आएगी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये डॉक्टर नर्स ने दी थी, वही थे जिन्होंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देने वाले डॉक्टर नर्स्ट, और ये इक्वेशन देने वाले भी डॉक्टर नर्स्ट। थर्ड लॉ पता है ना, एंट्रोपी जीरो हो सकती है जीरो केल्विन पे, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी जीरो केल्विन पे, थर्ड लॉ वही इन्होंने ये दिया नर्स्ट इक्वेशन। वहां जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी हमें और चाहिए होगी, उस पर जरा बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड है, अगर जनरल निकालना तो कौन सी इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन, जहां हमें जाना है NERNST नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन उस तक जाने से पहले हमें छोटी छोटी कई बातें जाननी होंगी। उसमें पहली बात है, वहां नर्स्ट इक्वेशन शुरू करेंगे तो हम किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाएंगे जनरल, है ना, किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट।
चलिए बच्चों, तो हम पहले जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, छोटी छोटी चीजें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोड कौन से थे वो जानेंगे एक कैटेगरी। जब वो खत्म होगा तो हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ के देखेंगे कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को जोड़ सकते हैं किससे, ये सेल रिएक्शन से, है ना, और फिर कुछ और बातें जानेंगे। तो आइए तीन लास्ट इक्वेशन तक जाने से पहले तीन हमें स्टेप पार करने होंगे। पहला स्टेप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा स्टेप थर्मोडायनेमिक्स एंड ये सेल रिएक्शन, और तीसरा स्टेप प्रॉपर्टीज ऑफ सेल रिएक्शन। ये तीन चीजें पढ़ेंगे तो जाके यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ, पहले शुरू करते हैं बच्चों, लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। मुझे ध्यान दी, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। प्राइमरी इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जो आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो आपको घूमते हुए दिख जाए, आपको दिखाई ये घूम रहा ही घूम रहा, जो आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो मोबाइल हो, अगर वो मूव कर सकता है तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड। प्राइमरी इलेक्ट्रोड मतलब होता है आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज मोबाइल, जबकि यहां पे जो आयन सेकेंडरी इलेक्ट्रोड तब बोलते हैं जब आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इज नॉट मोबाइल, अपनी जगह फिक्स है, रुका हुआ है। तो बच्चों प्राइमरी इलेक्ट्रोड जिनमें आयन कंसर्न आयन आपको ऑक्सीडाइज घूमता हुआ देखे लगे घूम सकता है, हिल सकता है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड, नहीं हिल सकता तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, प्राइमरी सेकेंडरी। आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर, यस। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रोड सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिनमें जो आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना है वो सॉल्यूशन में घूमता हुआ नजर आए, आपको देखें हाँ ये घूम रहा है मूव कर रहा है तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड, और लगे जो आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है वो अपनी जगह फिक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, मूव कर पा रहा तो प्राइमरी इलेक्ट्रोड, नहीं कर पा रहा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। नहीं कर पा रहा तो कैसे होगा, वो आयन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट थोड़ी मूव कर सकता है, प्रेसिपिटेट नहीं पड़ा रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। लेट अस स्टार्ट विद प्राइमरी इलेक्ट्रोड। बच्चों प्राइमरी इलेक्ट्रोड एक तो डेफिनेशन तो बता ही चुके हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रोड का पहला एग्जांपल है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये आपको बता चुके हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। बच्चों जितने इलेक्ट्रोड आप तक हमने आपसे डिस्कस किए हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, सिंपल एक मेटल आयन का सोल्यूशन लो, मेटल रॉड लो, मेटल रॉड को मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप कर दो, हो गया इलेक्ट्रोड बन गया मेटल इलेक्ट्रोड, यही कैटेगरी थी, इसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है। मेटल की रॉड, मेटल आयन सॉल्यूशन, जैसे अगर सिल्वर की रॉड है और सिल्वर आयन का सॉल्यूशन ले लिया बच्चों तो सिल्वर इलेक्ट्रोड, इसको बोलेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर आपने कॉपर की रॉड ले ली, कॉपर आयन का सॉल्यूशन ले लिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कैटेगरी जान चुके हैं, दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इतना लिख लिया सभी ने, तो हम ए टू शुरू करते हैं, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड ऊपर लिखेंगे सर, ए वन रब में ना कीजिए सर, नहीं बेटा ए वन नहीं, ऊपर ऊपर फर्स्ट हाफ अपर हाफ सर रब कर रहे हैं सर, वहां पे एजी से पहले जो लिखे वो क्या है, वो सिंपली मेटल है, कोई मेटल, मेटल सॉलिड लिखा है, कोई मेटल नीचे मेटल आयन, मेटल इलेक्ट्रोड, कोई मेटल उसी का आयन। दूसरा होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अच्छा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में
बच्चों रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है ना, मेटल रॉड नहीं होती, बल्कि एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्यूशन में मौजूद होता है। एक मिनट, तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक ही मेटल होगी, जैसे आयरन है सॉल्यूशन में, आयरन प्लस टू भी है और आयरन प्लस थ्री भी सॉल्यूशन में मौजूद है, ये सॉल्यूशन है इसमें दोनों मौजूद है, तो मेटल रॉड नाम की कोई चीज नहीं है। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बच्चों क्या होता है, एक ही मेटल दो आयनिक स्टेट में मौजूद, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगी, जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, दोनों सॉल्यूशन में मौजूद है ना। तो लिखिए रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में सेम मेटल, यहां लिख लीजिए सेम मेटल विल बी प्रेजेंट, सेम मेटल विल बी प्रेजेंट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम मेटल विल बी प्रेजेंट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। सेम मेटल विल बी प्रेजेंट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये एक फिलहाल ले लिया हमने आयरन प्लस टू आयरन प्लस थ्री का इलेक्ट्रोड, कोई रॉड नहीं है, दोनों के दोनों आयन है, एक एग्जांपल है उसका। अब बच्चों क्या होगा, सपोज अगर ये एनोड है तो क्या होगा, बट एनोड है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, रिएक्शन ऐसे लिखना, Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा, टू वाला थ्री में जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन क्या सोल्यूशन में रह जाएगा, नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ एक क्या करते हैं, एक प्लैटिनम का वायर लगा देते हैं, प्लैटिनम वायर, इस प्लैटिनम वायर का काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता देना, जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसी के थ्रू आएगा, जाएगा तो इसी के थ्रू जाएगा, तो जब टू वाला थ्री में कन्वर्ट होगा तो ये थ्री तो यहीं रह जाएगा जो बनेगा, ध्यान रखना बच्चों ये दोनों एक ही साथ मौजूद है, ये बीच में कोई पार्टीशन नहीं है दोनों में, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर है दोनों का, है ना। तो जब ये टू से थ्री, टू थ्री में कन्वर्ट होगा, थ्री तो वहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वायर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस होगा, तो रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसी के थ्रू बाहर से आएगा, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, देखिए Fe प्लस टू एक्स मोलर स्लैश Fe प्लस थ्री, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी वाई मोलरिटी दे देगा, इसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों ऐसे लिखा जाएगा E, और चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा लिखेंगे Fe प्लस टू से स्लैश Fe प्लस थ्री, इसकी कुछ वैल्यू आपको दे देगा। जैसे मैंने यहां पे आयरन लिया दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस प्रकार से आप टिन ले सकते हो, Sn Sn प्लस टू भी होता है, Sn प्लस थ्री भी होता, तो Sn प्लस टू Sn प्लस थ्री का मिक्सचर ले सकते हो, कोई भी मेटल जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो ले सकते हो, Cu प्लस वन Cu प्लस टू ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इसमें एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में सोल्यूशन में मौजूद होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में, एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्यूशन में मौजूद होगा, एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्यूशन में मौजूद होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, तीसरा लिखो बच्चों A3, गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है, गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चों, एक तो नीचे यहां गैस आयन होते हैं, गैस आयन, है ना, नीचे गैस आयन का सॉल्यूशन भरा होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस तो H प्लस आयन, क्लोरीन गैस तो Cl माइनस आयन, आयनों का सॉल्यूशन है, और ऊपर गैस भर देते हैं, लेकिन गैस रुकेगी नहीं, उड़ जाएगी, तो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब टाइप ट्यूब लेते हैं, इसको उल्टा करके रख देते हैं ऐसे ऐसे, यहां गैस भर देते हैं, और गैस भरने के लिए यहां जगह ऐसे, इसी के थ्रू गैस भर देते हैं ऐसे, जैसे
टायर में गैस भरते हैं ट्यूब में, वैसे यहाँ गैस भरते थे, यहाँ से गैस आ रही है, यहाँ गैस भरी हुई है, तो गैस आयन और ऊपर गैस भर देते हैं। और बच्चों एक प्लेटिनम का वायर डाल देते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, ये प्लेटिनम वायर है, इसके थ्रू या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। देख लीजिए गैस इलेक्ट्रोड ऐसा होता है, ये भी प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, क्यों? प्राइमरी इलेक्ट्रोड में जो आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो सॉल्यूशन में घूम सकता है, मोबाइल हो सकता है। यहाँ Fe प्लस टू प्लस थ्री दोनों मोबाइल है, यहाँ पे गैस का आयन होगा, गैस आयन तो सॉल्यूशन में घूमेगा ना, एच प्लस आयन हो चाहे फिर सी एल माइनस आयन हो, जो ऊपर गैस उसी का आयन नीचे लेना है। और आयन अकेला नहीं होता, तो आयन हमेशा किसी सॉल्ट के फॉर्म में या एसिड के फॉर्म में लेना चाहिए। जैसे एच प्लस आयन चाहिए तो एच प्लस आयन एसिड के फॉर्म में लिया जाएगा, एसिड भर देंगे उसका एच प्लस आयन यूज करेंगे, राइट? तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया और गैस इलेक्ट्रोड हो गया, क्लियर? वहां ऊपर में कंडक्टिंग वायर बना है। हाँ, ये रेड कलर का जो वायर है प्लेटिनम का वायर, कंडक्टिंग वायर, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन इसी के थ्रू आएगा? ओके, इलेक्ट्रॉन आने जाने का रास्ता यही है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अच्छा अब गैस इलेक्ट्रोड में कोई भी गैस ऊपर हो सकती है, मैं फिलहाल एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ ऊपर क्लोरीन गैस होगी, नीचे सीएल माइनस आयन इलेक्ट्रोड होगा, ऊपर हाइड्रोजन गैस होगी, नीचे सीएल, सॉरी हाइड्रोजन गैस, नीचे एच प्लस आयन, मैं दोनों इलेक्ट्रोड डिस्कस कर लेता हूँ एक एक बार। ऊपर वाला क्लियर कर दें, अपर हाफ? यस सर। मतलब ये अपर हाफ में रेडॉक्स इलेक्ट्रोड था, एक ही मेटल होगी लेकिन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगी, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ऑक्सीडाइज होगा तो लोअर वाला हायर में जाएगा, रिड्यूस होगा तो हायर वाला लोअर में आएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होगा, ऐसे यहाँ H प्लस आयन भर दो एसिड के फॉर्म में और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा के हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिटेन कर दो, ठीक है? और यहाँ एक प्लेटिनम वायर लगा दो, उसके थ्रू करंट आएगा या जाएगा, ये रहा प्लेटिनम वायर ऐसे, ठीक है, प्लेटिनम का वायर है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी जाएगी, यहाँ पे H प्लस आयन। बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए। अच्छा मान लो ये एज एनोड है, अगर एनोड है तो क्या करेंगे, एज एनोड तब सोचेंगे। तो बच्चों पहले तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, साथ ही क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन आर एक्शन, रिएक्शन ऐसे होगी, हाइड्रोजन गैस ये एच प्लस आयन बनाएगी और दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, है ना? तीसरा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, हाइड्रोजन गैस बच्चों ब्रैकेट में इसका गैस है तो कॉन्सेंट्रेशन गैस है तो पार्शियल प्रेशर रखेंगे कितना है, सपोज पी एटीएम, पी एटमॉस्फेयर, इसका पार्शियल प्रेशर रख दिया, फिर स्लैश हाइड्रोजन गैस एच प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाए, एच प्लस आयन और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस आयन की जो भी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दी जाए कि 0.1 मोलर, 0.5, जो भी एक्सपाइजेड जो कॉन्सेंट्रेशन रैंडमली लिख दीजिए, ऐसे ये दिख रहा है सर गैस आयनों में कन्वर्ट हो रही है, तो गैस से आयन, लेकिन गैस के आगे उसका प्रेशर और आयन के सामने उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दो और बीच में फेज बाउंड्री, है ना? लेकिन एक चीज और, चूंकि हमने यहाँ प्लेटिनम वायर यूज किया बच्चों, जनरली प्लेटिनम वायर एज ए इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम वायर कंडक्टिंग वायर, तो क्या करते हैं इस प्लेटिनम वायर को या तो रिप्रेजेंटेशन में सबसे इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, लेकिन गैस के साथ सटा के लिखते हैं जहां गैस है,
तो हाइड्रोजन गैस इसके हम सटा के प्लेटन में यहाँ शुरू में लिख देंगे, इसको या तो सबसे शुरू में या सबसे आखिर में लिखते, बीच में कहीं नहीं लिखते, कई बार इसको नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। प्लेटिनम खाली बताना चाह रहा है कि हाँ प्लेटिनम वायर के थ्रू, प्लेटिनम वायर के थ्रू हाइड्रोजन गैस आ रही है। प्लेटिनम वायर हमारा कंडक्टिंग पाथ है, प्लेटिनम कई बार ऑप्शनल होता, नहीं भी लिखा जाता है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहिए। ठीक है, इसका ईएमएफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, देखो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड है तो ठीक है, जनरल है तो ई नॉट ई हाइड्रोजन से एच प्लस साइन, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, देख लीजिए। और बस ध्यान रखना जैसे से ये सेल काम एनोड का काम करेगा वैसे से हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी और आयन आयनों में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो ऊपर हाइड्रोजन गैस भरी है, ऊपर जो हाइड्रोजन गैस आपने भरी हुई है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर घटेगा क्योंकि इसके मोल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा, हमें बाहर से गैस एक्स्ट्रा भरनी पड़ सकती है। यहाँ गैस गैस जो कि आयनों में कन्वर्ट हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे गैस जो है आयनों में कन्वर्ट हो रही है, तो गैस घटेगी, गैस का प्रेशर घटेगा, आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस आयन बढ़ेंगे, H प्लस आयन बढ़ेंगे, सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, उसका पीएच घटता जाएगा, समय के संग पीएच घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली लिख लीजिए, ये ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा तो कैथोड होगा तो सब कुछ रिवर्स कर देना, कैथोड होगा, अगर ये कैथोड काम करेगा रिडक्शन होगा, रिएक्शन रिवर्स, ये रिवर्स, ये रिवर्स, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। और सर वहां प्लैटिनम वायर क्यों लिया जाता है, प्लेटिनम वायर इनर्ट वायर होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया, इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा काम करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसके होने से रिएक्शन में कोई इसके होने से कोई साइड रिएक्शन जो होती है वो इनिशिएट नहीं होती, समझिए कुछ साइड मतलब ये कहीं ये अपने आप में इनर्ट है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, तो इसका होना ना होना बराबर, इसलिए इसी को लेते हैं। कोई और मेटल लोगे हो सकता है वो खुद भी वहां पे पिक्चर में आ जाए, खुद भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना शुरू हो जाए, प्लेटिनम के संग ऐसा नहीं होगा, राइट? यस सर। आइए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे, देखिए बच्चों अगर हमने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया तो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नोट नंबर वन, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताई थी, इट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और बच्चों ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके सामने है इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, किसके लिए, अरे अर्थ पे किसी प्लेस की हाइट निकालने के लिए किसको रेफरेंस मानते हैं, सी लेवल, सी लेवल यानी जीरो, सी लेवल को जीरो मानोगे, अगर आप सी लेवल को जीरो मान के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, है ना, सॉरी सी लेवल को जीरो मानोगे तो डिफरेंट प्लेस की हाइट निकाल सकते हो अर्थ पे, तो अर्थ पे डिफरेंट प्लेस की हाइट क्या है, एब्सोल्यूट की रिलेटिव हुआ, क्या हुआ, रिलेटिव। उसी प्रकार बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए भी हमको रेफरेंस लेना था, तो कहा रेफरेंस किसको लेंगे, तो कहा देखो यार ये जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को हम एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और रेफरेंस है, रेफरेंस को क्या मानते हैं, जीरो, तो इसको जीरो मान लेते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, जनरल नहीं, जनरल में तो कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, देखिए SHE इज अज्यूम्ड, SHE इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, SHE इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट्स ई नॉट इज अज्यूम टू बी जीरो, SHE इज अज्यूम टू बी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, SHE इज अज्यूम टू बी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट्स ई नॉट इज अज्यूम टू बी जीरो, एंड इट्स ई नॉट इज अज्यूम टू बी जीरो, यानी ई नॉट हाइड्रोजन से H प्लस आयन भी जीरो है, और ये ई नॉट H प्लस आयन से हाइड्रोजन भी जीरो है, दोनों के दोनों जीरो, ठीक है।
हाँ जी बोलिए। डाउट लास्ट 15 मिनट में डिस्कस होगा। हो गया 4:30 हो गया ना, अभी डिस्कस होगा, यहीं वहीं रोक देंगे बस, ठीक है, हो गया। तो आप सब लोग SHE समझिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE, क्लियर। इसी को रेफरेंस मानते हैं, इसी को जीरो मानते हैं, और इसी को जीरो मान के बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालते हैं, इसी को जीरो मान के बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन हाँ SHE ये रेफरेंस है, अगर स्टैंडर्ड है तो रेफरेंस। यहाँ एक काम और कर सकते हैं बच्चों, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोड अपने आप बना लिया, आपको होमवर्क है, आप यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोड बनाइएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में यहाँ पे क्या क्लोरीन गैस हो जाएगी, यहाँ सीएल माइनस आयन हो जाएगा, है ना। अब देखो जब वो ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, देखो क्योंकि हाइड्रोजन एच प्लस आयन बनाता है, हाइड्रोजन प्लस बनाता है, तो जीरो से प्लस वन जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन क्लोरीन क्या प्लस बनाता है कि माइनस बनाता है, माइनस बनाता है। हाँ हाइड्रोजन जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन क्लोरीन में उल्टा होगा, क्लोरीन में ऑक्सीडेशन होगा जब ये सीएल माइनस में गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो सीएल माइनस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ सीएल टू गैस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब इसको भी लिखेंगे वैसे ही, यहाँ क्लोरीन सॉरी सीएल माइनस रिप्रेजेंटेशन का ऐसे रहेगा, ये आप बना लीजिएगा अपने आप, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन रहेगा सीएल माइनस जो कि कॉन्सेंट्रेशन एक्स मोलर है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है, इसका प्रेशर मान लो PATM और स्लैश बच्चों प्लैटिनम को या तो शुरू में या लास्ट में गैस के साथ सटा के लिखते हैं, तो गैस के साथ सटा दो और उसका ई नॉट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सीएल माइनस से सीएल टू, ऐसे लिखना होगा, नोट कर लीजिए। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, नोट कर लें, अपने आप बना लें, मैं तो आपसे ही कराने वाला था, लेकिन ये दिखाना था कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कब होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन कब होता है, जब गैस आयनों में कन्वर्ट होती है, वहाँ पॉजिटिव आयन बनते हैं इसलिए, लेकिन क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कब होगा, जब आयन गैस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयन बनते हैं, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके गैस में कन्वर्ट होंगे। तो बना लीजिए, अब जो SHE का हमने उपयोग आज नहीं कर पाया है, हम अगली क्लास में करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम अगली क्लास में करेंगे। यार एक काम करते ना, हम एक उपयोग करा देते हैं, बस 5 मिनट में हो जाएगा इसका यूज, है ना, SHE का यूज हो जाएगा, ताकि आपको रहे कि हाँ SHE को रेफरेंस मान के बाकी इलेक्ट्रोड कैसे निकालते हैं। ये भी टाइम हो गया है 5:34, 5 मिनट और दो, 20 मिनट में डाउट डिस्कस कर लेंगे, रुक जाओ। देखो SHE जैसे हमको अब जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, तो कैसे निकालें, देखिए जिंक का निकालना है, तो नोट नंबर या नया एक नया नया नोट लिख लो, लिख देखिए ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर कैलकुलेटेड, ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर कैलकुलेटेड टेकिंग all electrode potentials are calculated taking hydrogen मतलब SHE, taking hydrogen bracket में SHE as primary reference electrode को underline करेगा, primary reference electrode। देखो बच्चों जैसे आपको जिस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना उसको लो, उसका स्टैंडर्ड लो, सपोज जिंक का निकालना तो हमने जिंक लिया और Zn+2 आयन स्टैंडर्ड ले लिया, ये 1 मोलर ऐसे स्टैंडर्ड ले लिया, और साथ में इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है, H+ आयन, अच्छा प्लैटिनम वायर, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बच्चों उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, ये रहा, ठीक है, ऐसे यहां वोल्टमीटर लगा दो जिससे वोल्टेज नाप लो, यहां सॉल्ट ब्रिज के बारे में आज बात नहीं हो पाई, कल होगी, आज सम हुई तो भूल गए, क्या चलिए। अब बच्चों ये भी स्टैंडर्ड है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 ATM, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक सॉलिड Zn+2 जो कि 1 मोलर है, 1 मोलर लिखते ही समझ जाओगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, डबल स्लैश हाइड्रोजन H+ आयन जो कि 1 मोलर है, हाइड्रोजन गैस जो कि 1 ATM है, और बच्चों स्लैश प्लैटिनम लिखो नहीं लिखो ये ऑप्शनल होता है। खैर अब हम रिएक्शन लिखते हैं, एनोड की रिएक्शन, एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक सॉलिड से Zn+2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका ई नॉट आ गया Zn से Zn+2, हमको नहीं पता कितना है बच्चों, कैथोड
हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे रिडक्शन ऐसे दिखाना, 2H plus ion, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस, ये E नॉट हाइड्रोजन से H plus से हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको ऐड कर दो बच्चों, ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल होंगे, क्या बनेगा, जिंक सॉलिड से Zn plus 2 आयन, यही नहीं 2H plus आयन से हाइड्रोजन गैस, और बच्चों E नॉट ऑफ सेल कितना आ जाएगा, देखो E नॉट ऑफ सेल E नॉट Zn से Zn plus 2 plus E नॉट, सर वहां पे H2 के बाद क्या लिखे ब्रैकेट में 1 atm, हाँ 1 atm कॉन्सेंट्रेशन लिखिए उसको, प्रेशर लिखा उसका, प्रेशर 1 atm और स्लैश प्लैटिनम, देखो जरा बच्चों ये जो पोटेंशियल आया है, ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ आ गई मान लो 0.76 वोल्ट, तो यहाँ पे ये 0.76 वोल्ट ये हो गया, देखो अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है ये, लेकिन बच्चों ये तभी आएगा जब इसकी वैल्यू हम रख दें, इसकी वैल्यू रखो ये पता है ये आ जाएगा, लेकिन है क्या, हमें ना तो ये पता है ना तो ये मान पता है, दोनों ही नहीं पता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा एक काम करते हैं, ये जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसका ई नॉट जीरो मान लेते हैं रैंडमली, इसको अगर जीरो मानोगे तो अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि इसको जीरो मान रहे हैं तब ये आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी रिलेटिव वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, तो इट इज रैंडमली अज्यूम टू बी जीरो, साइंटिस्ट ने मिलकर इसको जीरो माना, इसको जीरो अज्यूम किया गया रेफरेंस लेते हुए, इसको जैसे जीरो अज्यूम करोगे बच्चों देखो ये ई नॉट आ जाएगा जिंक का, ई नॉट Zn से Zn plus 2 कैलकुलेट हो गया कितना 0.76, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं ऐसे ही कैलकुलेट किए गए, जितने भी हैं उनको जो और उनको एक ऑर्डर में रख के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना देगी, सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे ही कैलकुलेट किए गए बच्चों, ठीक है, आपको जो चाहिए आपको कॉपर चाहिए कॉपर उठा के सेट कर, जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उसको यहाँ सेट कर दो SHG के साथ बस, बाद में जो वोल्ट मीटर रीडिंग है उसको यहाँ रखो और SHG को जीरो रखो, अपने आप दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाए, ठीक है, यस सर, तो ये बता दिया, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, उसके आगे बढ़ जाएंगे, आइए पहले डाउट देख लेते हैं सर, ओटीपी अभी नहीं बताया, ओटीपी बस ओटीपी लिखिए 1651, 5 नोट से लोग अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए, ओटीपी सर 1651 बेटा, वन सिक्स फाइव वन ओटीपी है, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए 5 मिनट में, सब बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है तो बोर्ड में देखना क्या है, हमको तो बहुत साफ आ रहा है यार, आपको ब्लर कैसे आ रहा है, सभी को ब्लर आ रहा है बच्चों, नो सर, हाँ तो फिर नेटवर्क थोड़ा वीक होगा, जहां प्रॉब्लम है पूछ लो, बाकी वीडियो देख लेना थोड़ी देर में भेज देंगे, चलो यस डाउट डिस्कस करना था, 28 देखिए, 28 में बच्चों कहता है NH4Cl4 जो है ना अमोनियम पर क्लोरेट यूज्ड इन सॉलिड फ्यूल इन द बूस्टर रॉकेट एज स्पेस शटल इट प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम NaCl4, यानी हम NaCl4 से क्या बनाएंगे, NH4Cl4 बनाएंगे, ओके ये हमें बनाना है, और इससे बनाएंगे, ओके और कहता है ये कैसे बनता है बच्चों, ये कैसे बनता है, इसके लिए बोला कि ये देखो बनता ना, ये बनता है इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन लिखी यहां से, ये इससे इस रिएक्शन से, दिस प्लस दिस से ये बनता है ना, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ अमोनियम क्लोरेट, देखो बच्चों ध्यान देना, अगर ये 1 kg है तो इसके इसका हमको इसका पहले 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सपोज मॉलिक्यूलर वेट m1 आ गया, निकाल ही लोगे आप, तो मोल कितने आ गए इसके, इसके मोल आ गए बच्चों 1000/m1 है ना, और कहते हैं कि ये जो बन रहा है ना, अगर देखें जितने Cl4 आयन इसमें उतने ही Cl4 आयन इतने में, तो अगर हम क्लोरीन के लिए POAC लगा दें तो हम देखेंगे जितने मोल ये कंपाउंड है उतने ही मोल हमें ये कंपाउंड भी चाहिए, इसके मोल भी 1000/m1 आ जाएंगे, m1
इसी का मोलिकुलर वेट ये, इतने मोल इसके आ गए। और बच्चों इतने मोल अगर इसके आ गए यानी 1000/m, m1 मोलिकुलर वेट किसका है, इस कंपाउंड का, इसका। तो ये इतने मोल आ गए। अब मुझे बताइए इसके मोल पता है, यहाँ से n फैक्टर देखो कितना है, -1 से +7 जा रहा है, कितना चेंज यहाँ से, यहाँ कितना चेंज जा रहा है, देखो जरा 8 का चेंज है n फैक्टर नंबर लाइन पे, तो n फैक्टर 8 है। बच्चों इसके मोल पता है आपको, मोल पता है तो इसके ग्राम को निकाल लो, n फैक्टर इनटू मोल, n फैक्टर इसका 8 है, मोल आ गया 1000/m1, ये ग्राम कण आ गए है ना। तो बच्चों इतने ग्राम कण चाहिए, तो जितने ग्राम कण उतने फैराडे, तो यही इतने फैराडे चाहिए, सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। अच्छा एफिशिएंसी, अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इस क्वेश्चन ये 28 तो हो गया, लेकिन 20 इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें एफिशिएंसी यूज नहीं की, 80% एफिशिएंसी थी इसमें, याद है? यस। तो जो यहाँ पे क्यू यूज वाला कंसेप्ट लगना था, फैराडे यूज्ड, जो आपके जो आई इंटू टी से जो फैराडे आएंगे वो टोटल फैराडे होंगे बच्चों, वो टोटल यूज्ड वाले नहीं होंगे। सर आई इंटू टी से चार्ज टोटल चार्ज होगा, उसमें 80% निकालना वो यूज चार्ज होगा, इस वाले से पुराने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्या हमने एफिशिएंसी वहां पे एफिशिएंसी यूज नहीं की, बोलिए। सर इसमें क्या रखेंगे वो m1 के जगह? बेटा m1 कितने बार बताया, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट इसका, राइट। और कोई क्वेश्चन बच्चों? थर्टी भी क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है वही कूलम निकालना है, ठीक है। लिबरेट इनफ हाइड्रोजन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसैसिफाइड वाटर सो दैट कैन फिल द बलून। देखो भाई 10 लीटर का बलून भरना है, इतना प्रेशर भरना है 27 डिग्री से। पहले तो आप एक काम करो, बलून में जो गैस मोल निकाल लो, गैस कौन सी गैस भरनी है, हाइड्रोजन गैस। तो पीवी को नाठी लगा दो, पीवी को नाठी लगा के गैस के मोल निकाल लो, इतने मोल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इतने मोल हाइड्रोजन हो गया बच्चों, हाइड्रोजन के इतने मोल हमको चाहिए। और हाइड्रोजन क्या होता है, मोल आ गए हाइड्रोजन, ये H प्लस आयन से हाइड्रोजन बनता है बच्चों। तो इसके अगर हमारे पास n मोल आ गए, इसका n फैक्टर +1 से 0 चेंज हो रहा है, n फैक्टर देखो चेंज हुआ 1 का, इंटू 2 करोगे तो 2 का चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मोल पता है, n फैक्टर पता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा n फैक्टर इंटू मोल, फिर तो काम हो जाएगा मुझे लगता है। n फैक्टर 2 है, मोल n आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, इतने ग्राम इक्विवेलेंट हमको चाहिए, ये डिपॉजिट करना हो या रिएक्ट करना हो, इतने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 96 ग्राम इक्विवेलेंट फैराड है, फैराड इनटू 96500 कर दो, क्या आ जाएगा, गुलाम आ जाएंगे। ऑक्सीजन लिबरेटेड इज कम्प्लीटली यूज्ड इन, अरे या फिर तो देखो ऑक्सीजन अगर ग्राम हाइड्रोजन के इतने ग्राम इक्विवेलेंट है तो ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे, कितने 2n ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। लेकिन इसका n फैक्टर कितना होता है, ऑक्सीजन का n फैक्टर 4 होता है, मैंने लिखा है आपको। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2n है, n फैक्टर 4 है, मोल निकाल लो, मोल आ जाएंगे 2n/4 आ गए मोल। अच्छा O2 के मोल आ गए, अब क्या कर रहा है कि O2 को रिएक्ट करा रहे हैं किसके, मीथेन का कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको ये, देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है, इसके O2 के मोल आ गए 2n/4, मोल आ गए इसके। अब इसके मोल आ गए, बताओ रेशियो मेथड लगा के इसके मोल नहीं निकल जाएंगे यूनिटी मेथड से, अब हो जाएगा बालक। हाँ यस। बैलेंस आपको कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बच्चों 5 बज गया है मेरी, तुरंत एक और क्लास है, अगर 30 के ऊपर के डाउट होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर कोई डाउट क्लास अलग से रख लेंगे, ठीक है, हमें यहीं रोकना होगा। 30 तक हो गया, 30 के बाद के डाउट अगली क्लास में क्लियर कर देंगे, ओके ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू। अटेंडेंस मार्क कर दिया होगा, अटेंडेंस क्लोज हो चुका है, थैंक यू।